ये हमारा दूसरा व्लॉग है और अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और हम लोग इस समय जा रहे हैं घूमने जंगल की तरफ, क्योंकि ये जो इस जंगल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली एमपी और यूपी के बीच में पड़ता है ये जंगल, मतलब इतना बड़ा भी जंगल नहीं है पर मोस्टली जंगल है, काफ़ी घना है अंदर जाके। अभी तो हम लोग काफ़ी मेन रोड में हैं, काफ़ी अंदर है जंगल, तो वहाँ जाएंगे अभी, फिर देखते हैं वहाँ का माहौल। और क्योंकि हो सकता है क्योंकि एमपी और यूपी के बीच में ये जंगल, तो जानवर भी हैं यहाँ पे काफ़ी, पर मेनली जानवर यहाँ है वो नीलगाय है और मोर है, इसलिए चलो चल के देखते हैं आगे और आपको जंगल में सीधा। आ चुके हैं अब बिल्कुल हम लोग बीच में आ चुके हैं जंगल के, देखिए नज़ारा देखो जंगल का, बिल्कुल जंगल है चारों तरफ जंगल। अभी सुबह से हमें कोई जानवर देखने को तो नहीं मिला है हाल फिलहाल में, लेकिन हमारी कोशिश जारी है क्योंकि आमतौर पर काफी जल्दी, आज पता नहीं हमारी क्या बदकिस्मती है, आमतौर पर हमें ज्यादा जंगल के अंदर आते जा रहे हैं हम लोग, इतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल में तो कोई जानवर नहीं मिला है देखने को, आगे चल के देखते हैं क्या क्या जानवर मिलते हैं। हम लोग तीन लोग फिलहाल आए हैं यहाँ पे, ये अमन है और ये विशाल आया है जो कि फिर लड़कियों का मुंह छुपा रहा है क्योंकि इसका फिर आज जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग बता देना इसका जेंडर क्या है कमेंट में, आगे चल के मिलते हैं। चलिए देखिए गाइस कितना गहरा जंगल है, अभी हमें इधर ही से फुकने लगी हम लोगों की, आगे सोचो क्या होगा हम लोगों का। यार इस समय फिर आ चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं चल के, ये देखिए अब कितना घना है जंगल, कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल, बस हल्की सी रास्ता गई है पतली सी, हम इसी रास्ता कैरी करते हुए जा रहे हैं। अब आगे जितनी आगे जाएंगे उतना ज़्यादा डेंस होता जा रहा है, देखिए आगे कोई मिलता है नहीं मिलता है एनिमल, और चलिए आगे फिर देखते हैं आपको दिखाते जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा आगे चलती हुई, हमें एक रोड मिली है सुनसान, और आगे देखो कितना कोहरा है बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे, और पता नहीं आगे चल के देखते हैं क्या है आगे का माहौल, कोई जानवर ना मिले तो अच्छा है। आइए चलिए देखते हैं, चलो चलो। 2-1 हम लोग आ चुके हैं सर बिल्कुल आउटर में, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग इस समय जंगल में है, तो हमें देखिए क्या मिला है यार, और क्या है लगता है देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ शूटिंग वगैरह की जाती है, और फिर शूटिंग वगैरह की जाती है उसका मतलब यहाँ का कारतूस भी होगी, तो चलिए देखते हैं कारतूस एक आध मिलती है नहीं मिलती। जाके आना भाइयों, नहीं तो गिर ना जाना, काफी ज्यादा स्लिपरी है ये एरिया, अपना ध्यान रखो, हम तो नहीं गए। अब देख सकते हैं ये शूटिंग एरिया है, यहाँ पे हर तरीके की राइफल जो है वो शूट की जाती है, चाहे वो इंसास हो, SLR हो, AK-47 हो, MP-416 हो, आप देख सकते हम इधर पे कारतूस आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए आप यहाँ पे बारूद है, ये पूरी दीवार आप देख सकते हैं, पूरी दीवार खुदड़ी हुई है। क्या हुआ ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि दीवार कितनी काफी ज्यादा ऊंची है, कम से कम इस दीवार की हाइट 10 मीटर से ज्यादा है। ये देखिए कितने ऊपर ऊपर तक शूट किया गया है इसमें, एक बार आप फिर से देखिए इस दीवार को, देखिए काफी ज्यादा ऊंची है, पूरी दीवार खुदड़ी हुई है। देख रहे हैं आप बंदर है। अब हम लोग को लग रही है काफी ज्यादा ठंड, क्योंकि हम लोग काफी देर से चल रहे हैं जंगल में, आप जानते हैं जंगल में कुछ ज्यादा ही ठंडी होती है नॉर्मल के हिसाब से, और ठंड लग रही है तो उसका इलाज भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक और दोस्त है जो टोपा लगाया है, शक्ल नहीं दिखाता है, जिसका निकनेम है बिना जेंडर वाला, ये लगा रहा है। दिक्कत नहीं लग तो जाए क्योंकि इस समय लकड़ी है वो पूरी ठंडी है, मतलब पूरी गीली है लकड़ी, और काफ़ी फायर लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तब भी कोशिश की जा रही है, जब फायर लग जाएगी तो आपको दिखाते हैं। देखिए
हेलो गाइस, फिर हम लोग एक बार दिखाने के लिए आपको आ चुके हैं। आँख सुझाने की जल रही थी बगल में, पर हमें एक बढ़िया चीज़ मिली है। ये पता नहीं क्या है, ये बहुत पतला सा है, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाएगी, और इसे लगाने की कोशिश भी की है और आग लग चुकी गाइस। लेकिन मजाक की बात यह है कि हमारी माचिस में हमें लगा दो तीलियां है, आप देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है, इन दो तीलियों में बारूद नहीं है गाइस, तो हमारी आग आज नहीं लग पाई, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये लोग मुझे बड़ी गालियां देंगे, चलिए गालियों के लिए शुरू हो जाओ। हम लोग इस समय आ चुके हैं इसके बॉर्डर में, यूपी और एमपी के। देखिए पूरी बाउंड्री बनी है और यहाँ पर टावर लगाए गए हैं, फेंसिंग की गई है पूरी, और यहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल सनराइज हो रहा है, राइज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑरेंज रेड है यार, बिल्कुल देखिए यार कितना अच्छा है यार, इतना अच्छा नज़ारा हर किसी को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो लेट सो के उठता है उसकी बस की बात नहीं है। ठंडियों में जल्दी सो के उठिए और ऐसा नज़ारा देखिए हमारे साथ, बने रहिए वीडियो में। गाइस एक मिनट रुकिए, हमें एक खतरनाक चीज मिली है, ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो कैक्टस का पेड़ है बे, यहाँ कैसे, ये तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। अबे रेगिस्तान में मिलता है ज्यादा, मतलब ये हाँ, रेगिस्तानी है पूरा। इसे वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ती है आम पौधों के मुकाबले। एक मिनट आप थोड़ा इधर आइए कैमरे को लेके, वहां पे वो क्या है, जल्दी आइए आप इधर पे, वो देखिए कि किस तरीके का इससे एक वो निकल रहा है फल टाइप का कैक्टस में, आप देख सकते हैं। आपने ऐसा फल खाया हो तो बताना जरूर। ये कैक्टस तो काफी बड़ा पेड़ है, सोचिए सुबह सुबह अगर इस पे किसी को बिना कपड़ों के फेंक दिया जाए तो इसका क्या हश्र होगा, बहुत खतरनाक होता। हमारा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। हम लोग आ चुके हैं घर, क्योंकि मुझे अपने भाई को जाना है स्कूल छोड़ने, और इस समय सन भी निकल चुका है। देखिए सन कितना अच्छा लग रहा है निकलते हुए, ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर व्लॉग अच्छा कर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, ओके, क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है और इतना अच्छा नहीं बनता। ठीक है, थैंक यू।